तो गुड नाइट दोस्त। एक सेकेंड। क्या गुड नाइट? गुड आफ्टरनून? नो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो मेरी लग जाती है नींद और मैं जैसे अभी सुबह में उठा तो बोटा आता है 6:30 बज के 5:30 बजे के समथिंग उठकर हमारे यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ मेरा। Press the bell icon. Subscribe now. A few moments later. So welcome back to my new vlog guys. और देखो मैं अभी मोहा में हूँ। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। Just नहाया हूँ और आज सुबह सुबह से ही मेरा मूड खराब हो गया। मैं जैसे सुबह उठा तो मेरा कुछ नुकसान हो गया। चल झूठा। फिर नुकसान हो गया। अब क्या बताएं क्या नुकसान हुआ है ये एक समय के बाद बताऊंगा। तो मैं दुकान पे गई था मेरा मोबाइल चार्जिंग के लिए। ट्रेन के चार्जर से मेरा मोबाइल चार्ज नहीं होता है, ये बड़ी मेरी दुख के लिए बात है। क्या हो इतनी धूप में चाय पी रहे हो, अच्छी लग रही पर चाय के दीवाने अलग होते हैं। तो गाइस बिना किसी देरी को मैं इस क्लिप को एंड करता हूँ, अगली क्लिप के लिए मेरा इंतजार करें, बाय बाय। देख सकते हो ये मेरा कोच है और कोच के अंदर सब बैठे हुए हैं मजा से। ये बाहुबली साहब है। चल झूठा। तो ये मेरा कोच का काम की साफ सफाई चल रही है। तो गाइस मैं गया था अभी खाना खाने के लिए, तो खाना खा लिया। बहुत भटकना पड़ता है खाना खाने के लिए, बहुत गर्मी में चलना पड़ता है। भगवान मेरे को कुछ गाय बना देता एक सेकंड तो किसी के घर पे बंदे रहता खुटा से और चारा खा लेता, दूध देता आराम से और कोई बात नहीं हम तो मजे पड़ता, आराम भी कर लेता, दूध भी मिलता। और क्या गाइस दीपावली आते ही तुम्हें पूछता, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ये गाइस क्योंकि आज मैं आपको मेरे स्टेशन स्टॉप के बारे में दिखाने वाला हूँ, जब हमारी मऊआ से सूरत ट्रेन जाती है तो किस किस स्टॉप पर रुकती हुई वो जाती है। A few moments later. करीब 2 बजे के समथिंग हमें ट्रेन में से भी निकाल देते हैं क्यों? क्योंकि अलाउ नहीं है क्योंकि अंदर कुछ ऐसा, तो शाम को जब हमारी ऑन ड्यूटी होगी तो अलाउ होगा। तो मैं बाकी का टाइम इधर काटता हूँ, बाय बाय तब तक के लिए। सो गाइस अभी कम से कम 3 घंटे से हम रुके थे इस रूम में, ये नहीं ये वाले में। तो यहाँ पर मैं थर्ड को लिखा था तो काफ़ी टाइम लगता है, मिनिमम कम से कम 1 घंटा लगे मुझे इसको लिखने में, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल पूरा दिन इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा सूरत के अंदर, मुझे वहीं पर टाइम मिलता है। मऊआ में मैं वीडियो बना सकता हूँ लेकिन यहाँ के जो लोग हैं अधिकतर गुजराती है, हिंदी इनको कम समझ में आएगा। नहीं ये इधर सस्ता नहीं, सारू एकदम मस्ती का मिल रहा है था। ले लो फिर ले लो, बहुत सारा ले लो, ठीक है ना। सकते हो भाई पूरा गाड़ी कितना क्लीन कर दिया है। वो इधर गाड़ी की सफाई बहुत ही अच्छे से करते हैं, पूरा क्लीन कर देते हैं, चमक चमक चम नई दुल्हनिया बना देती है इस गाड़ी को। बाप कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? गाइस देख सकते हो आप ये हम ड्रेस में आ गए, ये है हमारी ड्रेस और हमारी ड्यूटी चालू। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। गाइस देखो ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पे ऑन ड्यूटी होती है, इसके बाद में हम फ्री हो जाते हैं, करवा लेते हैं ऑन ड्यूटी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। डीजे की बहुत ध्यान आती है यार, अब ऐसा लगता है किसी किसी की बारात हुई तो उसमें धूमधाम से खूब नाचे। 2-3 महीने हुए बाहर निकले, अभी घर नहीं पहुंचे तो बहुत याद आ रही डीजे की नचने की ऐसे। अल्लाह मियां एवरीबॉडी गाइस देखो शाम के बच्चे 7:15 और हमारे गाड़ी का हॉर्न हो चुका है ऑन। कम से कम 50 किलोमीटर दूर जाकर रुकती है, करीबन 1 घंटा का रास्ता है। ये देखिए गाइस एवरीबॉडी हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, ये ट्रेन चल चुकी है, देखो ये अभी जाएगी पूरे 741 किलोमीटर दूर। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो हम सावरकुंड ला चुके चलते चलते और ये लोकल डब्बा है जिसमें कितनी भीड़ है, देखो रात का टाइम है। A few moments later. अभी बज चुके 10 और सामने आपको दिखने होगा, दूर होगा शायद, ये जूम करता हूँ डसा। तो हम पहुँच चुके हैं डसा पे और यहाँ पर ज़्यादा कुछ पब्लिक है नहीं, बस इतना ही है। एसी कोच में भी कोई नहीं है और इधर भी कोई नहीं है, तो चलते हैं हम डसा से, बाय बाय डसा। प्लान लग जाएगा ज़्यादा कट जाएगा टीटी। हाँ तो उधर चल जाओ आप, आगे पीछे पीछे रह गए थे ना इस वजह से, नहीं आप आगे जाना पड़ेगा, ये पैसों वालों की जिंदगी है इधर। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो बैठ सकता है इसमें।
तो टिकट जनरल का है ना? हाँ। निकल जाइए ना, तो मैं जनरल तक छोड़ के आऊंगा। ये फर्स्ट है, मतलब ट्रेन का फर्स्ट क्लास है, इसका चार्ज बहुत ज्यादा है पेमेंट, और ये जर्नल है तो गलती से चढ़ गई थी, उनको नहीं पता था यार ट्रेन में हो जाता है कभी कभी, सेम तो सीट रहते हैं, लेकिन चीटी लोग सब रैम नहीं खाते हैं, तो उसको बहुत गरी आया कि तुम्हें पता नहीं आगे पीछे का कैसा क्या है, तो ये इसका थोड़ा चार्ज ज़्यादा है, पैसों वाले की ज़िंदगी है ये, बिना पैसे वाले की ज़िंदगी है, लेकिन इसमें भी बैठते हैं और इसमें भी बैठते हैं, बस इसमें बैठने के बाद पता ही नहीं लगता कहाँ बैठे हैं, और इसमें सब हवा मवा सब कुछ। Moments later. So guys, देखो मैं जब अभी उठा तो मैं डायरेक्ट सूरत में आके पहुंच गया, मेरी रात को नींद लग गई, अहमदाबाद में भी जगा लेकिन वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला, और इसके बाद में बीरमगाम भी जगा लेकिन मुझे वहाँ भी टाइम नहीं मिला, नींद लग गई थी गाइस, तो मैं काम पटा रहा हूँ अपना, तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, आज का नहीं सॉरी कल का, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो मोर नेक्स्ट वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना अगली वीडियो देखने के लिए मेरा, और मैं आ गया सूरत के अंदर, अब यहाँ पर मैं वीडियो को रिएक्शन देखूंगा और वीडियो शूट करूँगा, पूरा दिन यहाँ भी मुझे निकल जाता, तो आज भी मेरे बने रही ये काल का ब्लॉग है, तो आज के लिए भी शुरू करूँगा, तो तब तक के लिए यार गाइस बाय बाय।